नवाला के एमरोन में किनिया की फ्लाइट 507 अपने मुकर्रर टाइम से एक घंटा लेट हो गई। पायलट मुसाफिरों को आगाह कर रहे थे कि इन्हें मौसम ठीक होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। पायलटों को उड़ान भरने से पहले तेज़ तूफान का गुजरने का इंतज़ार करना पड़ेगा जो कि आने वाला था। इस जहाज़ में 108 मुसाफिर हैं जिनको इंतज़ार करते सब्र की इंतहा हो गई। इनमें ज़्यादा तादाद उनकी है जिन्हें आगे जाके दूसरी फ्लाइट पकड़नी है। इस फ्लाइट ने अपना सफ़र उस दिन के शुरू में ही अबिदजान से शुरू किया था और अब वो कीनिया के शहर नैरोबी को जा रही है। बोइंग 737 NG का यह जहाज़ है जिसे कीनिया एयरवेज ने हाल ही में हासिल किया 2 इंजन वाले तजारती तैयारों की जदीद नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। कैप्टन फ्रांसिस वानविया इस फ्लाइट के इंचार्ज हैं। वो एक तजर्बाकार पायलट हैं। इनके रिकॉर्ड में 8000 घंटों की फ्लाइट का तजर्बा है। एंट्रोगियोलो सीओ पायलट हैं। इन्हें कीनियन एयरलाइन के साथ 1 साल का अरसा हुआ है। पायलट ने जहाज के मौसम का रडार का इस्तेमाल किया ताकि वो आंधी पर नजर रख सकें। पायलट ने तूफान से बचने के लिए तरीका निकाला और कंट्रोल टावर से रब्ता किया। कंट्रोल टावर ने उन्हें उड़ान भरने की इजाज़त दे दी। पायलट ने सीओ पायलट को जल्दी से उड़ान मेन्यू भरने का कहा। आधी रात से कुछ मिनट पहले आखिरकार जहाज उड़ाने के लिए तैयार था। रनवे खाली कर दिया गया। सीओ पायलट ने कप्तान को जल्दबाजी न करने का कहा और कप्तान ने फिर से मौसम की सूरत हाल का मुआयना किया। अब पायलट फिर से मौसम का दबाव दोबारा चेक कर रहे थे और इन्होंने तूफान से बच निकलने का एक रूट बना लिया। पायलट ने टावर से रब्ता करके बताया कि वो टेक ऑफ के बाद तूफान से बचने के लिए दाएं जानब उड़ान भरेंगे, तो सीओ पायलट ने उनकी तस्दीक की और दाएं जानब का कहा। आधी रात से कुछ देर बाद जहाज नैरोबी की तरफ फजा में था। पायलट ने उड़ान और बुलंद कर दी और तूफान से बचने के लिए जहाज की सिमट दाएं जानिब कर दी। इतनी ज़्यादा दाएं जानिब कर दी कि अचानक जहाज का तवाज़ुन ही खतरनाक अंदाज में दाएं जानिब मुड़ गया। पायलट ने जहाज को सीधा करने का बहुत जोर लगाया लेकिन जहाज और ज्यादा दाएं जानिब घूमने लगा। अंतक कोशिशों के बावजूद जहाज दाएं जाने को उल्टा घूम गया।
पाँच घंटे बाद कंट्रोल टावर में मौजूद एहलकार का ड्यूटी टाइम पूरा हो गया। इन्हें कीनिया ने रूपी से कॉल मौसूल हुई कि जहाज अभी तक कीनिया नहीं पहुंचा। इन्होंने ला इल्मी का इजहार किया और बताया कि जहाज को 45 मिनट पहले ही कीनिया में लैंड होना चाहिए था। सुबह होते ही जहाज के गायब होने की खबरें आम होने लगी। मुसाफिरों के अजीज अपनों के बारे में जानने के लिए परेशान थे। दो दिन गुजरने के बाद रेस्क्यू एहलकारों को कीनिया की फ्लाइट 507 का मलबा मिल गया। फ्लाइट 507 एयरपोर्ट के जनूब मशरक की जानिब 5.5 किलोमीटर की दूरी पे मिट्टी और पानी से भरे मांग्रोव दलदल में गिरकर तबाह हुई। जान बहक अफराद के लवाहिकीन कैमरून की हुकूमत से जवाब मांग रहे थे कि जहाज क्यों तबाह हुआ, लेकिन कैमरून की हुकूमत मुश्किल में थी। कैमरून की हुकूमत के पास फिजाई हादसात की तहकीकात के लिए कोई बोर्ड ही नहीं था। मुख्तलिफ ममालिक से ट्रांसपोर्ट सेफ्टी के तफ्तीशकार इस हादसे की तहकीक के लिए कैमरून आए। अमरीकी फिजाई तहकीकती बोर्ड के डेनिस जोन्स हादसे की तहकीकात में शामिल ने बताया कि इस किस्म का जहाज दुनिया में अपनी नौवियत का एक जदीद तैयारा था, लेकिन इसे उड़ाने वाले ये सब जानना चाहते थे कि जहाज को क्या हुआ। तहकीकात में मार्क स्मिथ भी शामिल हुए जो बोइंग तैयारों की तकनीकी मशीर है। फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर जल्दी ही मिल गया। ये तहकीक में बहुत अहमियत का हामिल है। रिकॉर्ड के मंदरजात के तजिए के लिए कनाडा ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड को भेजा गया। अब इनको काकपट डेटा रिकॉर्डर की तलाश थी। तफ्तीशकारों ने जल्दी अंदाज़ा लगा लिया था कि जहाज 2 मिनट से ज़्यादा फिजा में नहीं उड़ा। कनाडा में टेक्नीशियनों ने फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड निकालने में कामयाब हुए। इन्होंने डेटा का तजिया किया, जैसे ऊंचाई, हवा की रफ्तार, टर्निंग एंगल और झुकाव की डिग्री वगैरह। इनको जहाज के निज़ाम में कोई ख़राबी के सबूत नहीं मिले। रिकॉर्ड में ये जाहिर हुआ कि जहाज एहसन हालत में था और उड़ान के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। इन्हें वार्निंग के कुछ इशारे मिले जो कि उड़ान के 1 मिनट बाद के हैं। 850 मीटर की बुलंदी पर दाएं जानिब झुकाव जाविया की वार्निंग। तहकीकारों के लिए ये फ्लाइट 507 के हादसे की तहकीक की पहली कामयाब कड़ी थी। जहाज का कोई भी झुकाव जो 35 दर्जे से ज़्यादा हो वो ख़तरनाक होता है। जब जहाज इस जाविये पे पहुंचता है तो पायलट के लिए वार्निंग अलर्ट के अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। तफ्तीशकारों ने टेक ऑफ के बाद पायलट के कंट्रोल का जायज़ा लिया तो इन्हें एक अहम इंकशाफ मिला। तफ्तीशकारों ने यह इंकशाफ किया कि उड़ान भरते ही जहाज़ हल्का सा दाएं जानिब झुक गया था, लेकिन पायलट ने बाएं जानिब घुमा के जहाज का तवाज़ुन बरकरार रखा। पायलट इस कोशिश में था कि जहाज का तवाज़ुन बरकरार रखे। लेकिन क्या वजह बनी कि जहाज उड़ान भरते ही दाएं जानिब झुक गया? अब तफ्तीशकारों को समझ आई। ये परों की प्लेटों को इंस्टॉल करने का तरीका था जिसने जहाज को यकदम हल्का सा एक साइड पर झुका दिया। परों की ये प्लेटें उड़ान के दौरान जहाज की ऊंचाई कम और ज़्यादा करती हैं। बाएं साइड वाली प्लेट ने जहाज बाएं तरफ से ज़्यादा ऊपर उठा लिया था, इसलिए वो दाएं जानिब झुक गया।
इस तरीके से अब जहाज दाएं जानिब आहिस्ता आहिस्ता झुकता ही चला गया। इस इंकशाफ से पायलट की तरफ से उड़ान भरते ही जहाज को बाएं जानिब झुकाने की वजह मालूम हुई, लेकिन बाद में जहाज फिर से दाएं जानिब झुक गया और जब तक 35 दर्जे की वार्निंग नहीं आई पायलट ने इसे सीधा करने की कोशिश तक नहीं की। फिर पायलट जहाज के कंट्रोल को तवाजुन के लिए दाएं बाएं घुमाता ही रहा। प्रवास के आखिरी लम्हात में तफ्तीश कारों ने कंट्रोल शाफ्ट की एक बेतरतीबी और गैर माकूल हरकत देखी। जब से ज़्यादा झुकाव की वार्निंग शुरू हुई 16 सेकंड तक जहाज एक साइड को खतरनाक तरीके से घूमता ही चला गया। फिर जहाज घूमता हुआ 120 दर्जे के मिलान पे आ गया और पायलट इसे सीधा करने में कामयाब नहीं हो रहे थे। रिकॉर्ड के बयानात जहाज का ख़तरनाक मोड़ पेश कर रहे थे जिसका दौरानिया 1.5 मिनट था। तहकीककारों ने पायलट का रिकॉर्ड चेक किया। पायलट काफ़ी ज़्यादा तजर्बाकार था, 16 साल का तजर्बा था जो ज़्यादातर उसे बोइंग 737 पे ही था। ये काफ़ी साल पहले कीनिया में डिग्री लेके पायलट के अहदे पे फैज हुआ था। लेकिन तहकीककारों ने पायलट की ट्रेनिंग फाइल के रिकॉर्ड में काफ़ी गलतियां नोट की कि इमरजेंसी में निज़ाम के बारे में इसकी मालूमात कम थी, वो ज़िम्मेदारी पे पूरा नहीं था और काकपिट में इसका रिकॉर्ड नाकिस था। इन्होंने इंकशाफ किया कि पायलट को ट्रेनिंग के दौरान मुश्किल लगता था और इसे ऑटो पायलट के बारे में ज़्यादा इल्म भी नहीं था। इसके अलावा सीओ पायलट का भी रिकॉर्ड कुछ बेहतर नहीं था, उसने ऑटो पायलट पे प्रवास के दौरान नज़र नहीं रखी। सीओ पायलट नौजवान था, इसे तजर्बा की कमी थी, इसके पास सिर्फ 800 घंटों की फ्लाइट का तजर्बा था और ट्रेनिंग के दौरान इसके खिलाफ नोट था कि इसे जहाज के झुकाव में इलम होना चाहिए। तहकीककारों को यह कंफर्म करना था कि जहाज के तबाह होने में पायलट की ही गलती है। वो जहाज को बार बार दाएं बाएं घुमाते ही रहे। ये तरीका बिल्कुल बेसुध था और फायदा मंद नहीं था। जब वार्निंग अलार्म बजे और जहाज दाएं जानिब झुका तो पायलट ने जल्दी में जहाज के कंट्रोल को और ज़्यादा दाएं जानिब मोड़ दिया, जिससे हालात और ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो गए। जहाज जब 50 दर्जे दाएं घूम गया और हालत ज़्यादा ख़राब हो गई तो ऑटो पायलट ने काम किया और पायलट ने इसे ऑन कर दिया। तहकीककारों ने इंकशाफ किया कि ऑटो पायलट बंद था और पायलट को काफ़ी देर बाद उसका अंदाज़ा हुआ तो उसने इसे ऑन कर दिया। लेकिन जब जल्दी से जहाज सीधा नहीं हुआ तो पायलट कंट्रोल को दाएं बाएं घुमाता रहा जिससे ऑटो पायलट बंद हो गया। एक पायलट कंट्रोल शाफ्ट का दाएं जानिब जोर लगा रहा था और दूसरा बाएं जानिब।
तहकीक का रुको, ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सा काम फाइल मुझे ठीक से क्यों नहीं हुआ। ये बिल्कुल एक छोटा सा काम था जिससे जहाज ने सीधा हो जाना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तहकीकारों ने परवाज के आखिरी मलाहिल को दोबारा बनाने के लिए बोइंग सेमीलीटर का इस्तेमाल किया। सेमीलीटर में तफ्तीशकार लफ्जी तौर पर अपने आप को कमांड में डाल सकते हैं और फ्लाइट को शक्ल दे सकते हैं जबकि वो पायलट के पोजीशन में हो, ताकि इसलाह के हद का तयन कर सकें। तफ्तीशकारों ने 50 दर्जा दाएं जानब झुकाव करके ऑटो पायलट ऑन कर दिया। ऑटो पायलट अपना काम करके झुकाव कम करके जहाज को तवाजुन दे रहा है। अब इन्होंने जो पायलट काम कर रहे थे वो किया, कंट्रोल दाएं बाएं घुमाया, दाएं बाएं फिर दाएं बाएं घुमाते रहे, जहाज फिर से दाएं जानब घूम गया। नकोश से पता चलता है कि अगर पायलट ने ऑटो पायलट को जहाज को कंट्रोल करने के लिए मजीद वक्त दिया होता तो 737 का यह जहाज निस्बतन महफूज जाविये पर लौट जाता, लेकिन पायलट की जल्दबाजी ने ऐसा होने नहीं दिया। तफ्तीशकारों ने बताया कि हादसे से चंद सेकंड पहले भी इस जहाज को बचाया जा सकता था। फ्लाइट 500 साल के हादसे के बाद कैमरॉन कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने सिफारशात का एक मजमुआ जारी किया जिसमें काकपट के तरीक़ाकार और अमले की जिम्मेदारियों के लिए हिफाजत हिदायत की जारी अपडेट शामिल हैं। उन्होंने ऑटो पायलट को चलाने की जिम्मेदारी के हवाले से ड्राइविंग के तमाम मयारी तरीक़ाकार में तब्दीलियाँ की और यह बहुत अहम काम था, और इन्होंने कॉर्नर एंगल को दुरुस्त करने पर जोर देते हुए पायलटों की तरबियत को बेहतर बनाने पर जोर दिया। एक टेक्नोलॉजी जिसका बोइंग ने तजर्बा किया और तैयार किया वो ये है कि जहाज में टिल्ट सेंसर लगाए जाए। अगर आप किसी अनजान झुकाव की पोजीशन में हैं तो आला आपको आवाज़ की रहनमाई के साथ सिमक दिखाएगा जिसमें आपको जहाज को इनहराफ करना होगा। बिल आखिर तरबियत पर नज़र रखनी होगी। अमले की तरबियत वाकयात की जंजीर में शामिल होती हैं, वो जंजीर जो इस रात तैयार के हादसे की सबब बनी।